बड़वानी जिले के अंजड़ थाना अंतर्गत छेड़छाड़ की घटना के बाद उपजे विवाद में चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को निजी अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। जिले के अंजड़ शहर के शिक्षक कॉलोनी में उपजे विवाद में चाकूबाजी की घटना सामने आई, जिसमें छेड़खानी को लेकर विवाद बताया जा रहा है। चाकूबाजी की घटना में आरोपी युवक ने दामाद और ससुर को चाकू मार दिया, जिसमें इलाज के दौरान 55 वर्षीय बाबूलाल यादव की मौत हो गई। वहीं शैलेंद्र का बड़वानी के निजी अस्पताल के ICU में इलाज चल रहा है। थाना प्रभारी BR वर्मा ने बताया कि 23 वर्षीय ब्रजेश सोहनी ने छेड़छाड़ की बात को लेकर ससुर दामाद पर चाकू से हमला कर दिया। घटित हुई आज दिन में लगभग 3:30 बजे की घटना है। ये ब्रजेश सोहनी नाम के युवक ने बाबूलाल यादव और शैलेंद्र यादव पर चाकू से हमला किया था। इसमें भी सूचना ये मिली है कि बाबूलाल यादव इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो चुकी है। एक शैलेंद्र यादव जो बाबूलाल यादव का दामाद है वो घायल है। अभी 3-7 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी राउंड अप हो चुका है। घटना के बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी ब्रजेश को हिरासत में ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज़, बड़वानी।